अरे भैया देखो ना, एक व्यक्ति रेड सिग्नल होते हुए भी उसे क्रॉस कर गया और उसे चोट लग गई। सर सभी आइए आइए, कोई 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस पे कॉल लगाइए। हेलो डॉक्टर सुबु, हाउ आर यू? फाइन डॉक्टर, आप बहुत टायर्ड लग रहे हो। हाँ मैं टायर्ड हूँ क्योंकि एक एक्सीडेंट केस है जिसमें पेशेंट बहुत सीरियस है और अगर मिस्टर बबलू उन्हें टाइम पे नहीं पहुँचाते तो उनकी जान चले जाती। अगर वो सिग्नल पे ध्यान रखता तो ऐसा नहीं होता। हाँ आजकल तो कोई ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करते, कोई हेलमेट भी नहीं लगाते, दाएं बाएं भी नहीं देखते हैं, कोई कोई तो फोन पे बातें करते हुए गाड़ी चलाते हैं और कार में जाने वाले सीट बेल्ट भी नहीं लगाते। ये सब जानकर भी लोग बड़े लापरवाह हैं। आइए आइए डॉक्टर, मैंने आपको जिनके बारे में बताया है वो यही है मिस्टर बबलू। डॉक्टर वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो अब कैसा है? He is fine now. बट इस छोटे उम्र में ही तुम में जो जिम्मेदारी की भावना है वो देखकर बहुत खुशी होती है। मेरे प्यारे परमेश्वर के समान मेरे बच्चे की जान बचाकर आज हम सब साथ में रहने का मौका दिया, ये सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। परमेश्वर के समान आकर तुम्हें मेरे बच्चे की जान बचाई। नहीं नहीं, हम परमेश्वर नहीं है, परंतु हम में जो परमेश्वर का प्रेम है उसी ने आपके बच्चे को बचाने के लिए हमें मदद किया। सुनाता हूं मैं अपनी कहानी, सुन लो मेरे दोस्तों। निकल पड़ा था अपने घर से सब कुछ छोड़ के, छोड़ के अपने पापा को, छोड़ के अपने घर को, निकल पड़ा जीवन जीने अपनी मनमानी से। छोड़ के अपने पापा को, छोड़ के अपने घर को, निकल पड़ा जीवन जीने अपनी मनमानी से। ना सोचा था ऐसा होगा, गिर गया पापों में, ना करना तुम ऐसा कभी अपने जीवन में। ना सोचा था ऐसा होगा, गिर गया पापों में, ना करना तुम ऐसा कभी अपने जीवन में। प्यार को ना समझा था, पापा के पैसों को बर्बाद किया, पापों में मैं डूबता ही गया, स्वार्थी बनता ही गया। ना सोचा था ऐसा होगा, गिर गया पापों में, ना करना तुम ऐसा कभी अपने जीवन में। ना सोचा था ऐसा होगा, गिर गया पापों में, ना करना तुम ऐसा कभी अपने जीवन में। गलती को
चल पड़ा अपने घर को मांगने माफी पापा से हर बात भूल के जान के अपनी गलती को चल पड़ा अपने घर को मांगने माफी पापा से हर बात भूल के लगा लिया अपने गले से कुछ भी ना कहने दिया जैसे है यीशु माफ करता पापा ने माफ किया लगा लिया अपने गले से कुछ भी ना कहने दिया जैसे है यीशु माफ करता पापा ने माफ किया। हे सुजी, देखो ये तुम्हारा स्कूल आ गया। हाँ बबलू, उस दूसरे मंजिल में ही मेरा क्लासरूम था, पर इस साल सब कुछ बदल गया है। परंतु पिछले साल क्लास में कुछ बातें हुई, अभी भी उसे सोचकर बहुत खुशी होती है।